के साथ जो लव अफेयर है इस क्रिकेट थिंक टैंक का या बाबर आजम का, आई थिंक वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म में नहीं है, और फॉर्म में नहीं है तो उनको क्यों खिला रहे हैं? आपको चांस लेना है। पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सिलेक्टर और कमेंटेटर रमीज राजा फखर जमान पर बरस पड़े हैं। फखर जमान एक लंबे अरसे से बहुत ही बुरी फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। आज भी फखर जमान श्रीलंका के अगेंस्ट आज फिर से पता नहीं क्यों उनको मौका दिया गया है, और आज भी सिर्फ 4 रन बनाकर फखर जमान एक फुल टॉस गेंद पर आउट हुए। रमीज राजा एक अरसे से कह रहे हैं कि फखर जमान को बाहर करके किसी दूसरे प्लेयर को मौका देना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक को आज मौका मिला था तो उन्होंने आज 50 भी बनाई, लेकिन फखर जमान की एक लंबे अरसे से एक बुरी फॉर्म का सिलसिला जारी है, और एशिया कप के एक मैच के अंदर भी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। आज 11 बॉल्स पर फखर जमान ने सिर्फ 4 रन बनाए। यहाँ पर खुद को भी फखर जमान को सोचना चाहिए कि इतनी बुरी फॉर्म के साथ वो पाकिस्तान टीम में किस तरह से खेल सकते हैं, और शायद अब वक्त आ गया है कि उनको टीम से बाहर कर देना चाहिए और किसी दूसरे प्लेयर को मौका देना चाहिए। देखिये मैच विनर तो हैं फखर जमान, लेकिन एक लंबे अरसे से वो बुरी परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, लेकिन